दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम ABCD के नाम से जानते हैं। अब इन 26 लेटर्स को दोस्तों तीन भाग में डिवाइड किया जाता है जिन्हें कहते हैं कंसोनेंट्स, वोवेल्स एंड सेमी वोवेल्स। अब वोवेल्स टोटल 5 होते हैं जिन्हें हम AEIOU के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेमी वोवेल्स 2 होते हैं जिन्हें हम W और Y के नाम से जानते हैं। बाकी बचे हुए 19 लेटर्स जो हैं जैसे B, C, D, F, G, ये कंसोनेंट्स हैं, हम इन लेटर्स को कंसोनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड यानी शब्द। तो वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंसोनेंट्स एंड वोवेल्स इन अ सिस्टमेटिक वे, और वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंसोनेंट्स एंड सेमी वोवेल्स इन अ सिस्टमेटिक वे। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड है गीता। अब गीता में दोस्तों GT ये हो गया कंसोनेंट्स और EE ये हो गया वोवेल। तो गीता नाम को बनाने के लिए कंसोनेंट और वोवेल दोनों की आवश्यकता लगी। दूसरा वर्ड है हमारा राम। अब राम में दोस्तों R और M कंसोनेंट है और A वोवेल है। तो देखा दोस्तों कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए कंसोनेंट और वोवेल का सिस्टमेटिक वे से कॉम्बिनेशन आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंसोनेंट्स एंड सेमी वोवेल इन ए सिस्टमेटिक वे। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राई। अब ट्राई की स्पेलिंग TRY है जहाँ पर T और R कंसोनेंट्स है और Y सेमी वोवेल है। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लाई जहाँ पे F और L कंसोनेंट है और Y सेमी वोवेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों वाई, WHY जहाँ पर H कंसोनेंट है और W और Y सेमी वोवेल है। तो आपने देखा दोस्तों किसी भी वर्ड को बनाने के लिए या तो कंसोनेंट और वोवेल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या तो कंसोनेंट के साथ सेमी वोवेल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वर्ड बन सकता है। इसके बाद आइए दोस्तों हम सीखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। अब सेंटेंस का डिफिनेशन है कि सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड मेकिंग प्रॉपर सेंस, और सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे अमित सिंग्स, अमित गाता है, तो यहाँ पर दोस्तों अमित सब्जेक्ट हो गया और सिंग जो है वो प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि इंग्लिश में लेटर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड का डेफिनेशन सीखा, उसके बाद हमने सेंटेंस का डेफिनेशन सीखा। इसके बाद आइए दोस्तों, अब आपको तो पता है कि किसी भी भाषा में तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन एनी लैंग्वेज देर आर 3 टेंसेस, दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो पहले हम और आप सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को दोस्तों 4 सब टेंसेज में डिवाइड किया है, वो हैं इनडेफिनेट या सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यूस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस सीखते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट या सिंपल टेंस सीखेंगे। अब इनडेफिनेट या सिंपल टेंस में हम 4 प्रकार के वाक्य सीखेंगे। उसे कहते हैं अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, उसके बाद आखिर में इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। आइए दोस्तों हम और आप मिलकर सीखते हैं वाक्य रचना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ग्रामर में हम लोग प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनेट या सिंपल टेंस सीखेंगे जिसे सामान्य काल कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग सकारात्मक वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है वो सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव। हमारा सबसे पहला वाक्य है मैं खेलता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई प्ले। दूसरा वाक्य है हम लोग पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे वी रीड। तीसरा वाक्य है हमारा आप लिखते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू राइट। हमारा चौथा वाक्य है राजू आता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे राजू कम्स। अब यहाँ पे देखा दोस्तों आपने कि
राजू के साथ जो वर्ब है कम है उसे एस लग गया है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजू थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी भाषा में बात करते हैं, इस पृथ्वी पर जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सभी भाषाओं में तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, या यूं कहें कि सभी भाषाओं में बात करते समय तीन व्यक्तियों का समावेश होता है, जिसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है दोस्तों आई और वी, यानी मैं और हम। सेकेंड पर्सन में आता है यू यानि आप, और थर्ड पर्सन बाकी सब। यानी आई, वी और यू को छोड़कर जो भी वाक्य रचना होती है वो थर्ड पर्सन होते हैं। आइए हम और आप देखते हैं। पहले एग्जांपल में मैं खेलता हूँ, दूसरे एग्जांपल में हम लोग पढ़ते हैं, ये है फर्स्ट पर्सन मैं और हम। नेक्स्ट एग्जांपल में है आप लिखते हैं, ये है सेकेंड पर्सन यू। और हमारा अगला एग्जांपल है राजू, यहाँ पर राजू थर्ड पर्सन है और अकेला है इसलिए वर्ब को यहाँ पर एस लग गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग हमारा अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है राजू और अमित दौड़ते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे राजू एंड अमित रन। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ब जो रन है उसे एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजू और अमित थर्ड पर्सन है लेकिन अकेले नहीं है, दो व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर रन को एस नहीं लगा। वर्ब को एस तभी लगता है जब थर्ड पर्सन अकेला होता है। हमारा अगला एग्जांपल है वो बुलाता है, इसका आंसर है ही कॉल्स। अब दोस्तों वो बुलाता है ये थर्ड पर्सन है और अकेला है इसलिए यहाँ पे वर्ब जो कॉल है उसे एस लग गया। हमारा अगला क्वेश्चन है वो लोग गिनते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे दे काउंट। अभी यहाँ पर वो लोग ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन अकेला नहीं है यहाँ पर थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर वर्ब काउंट को एस नहीं लगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वह गाती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे शी सिंग्स। वह यह थर्ड पर्सन है और अकेली है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है सिंग उसे एस लग गया। हमारा अगला एग्जांपल है गीता सीखती है। अब दोस्तों गीता थर्ड पर्सन है, अकेली है इसलिए यहाँ पर आंसर होगा गीता लर्न्स, यानी यहाँ पे जो वर्ब है लर्न उसे एस लग जाएगा। हमारा अगला एग्जांपल है गीता और मीना लड़ते हैं, आंसर है गीता एंड मीना क्वारल। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पर गीता और मीना थर्ड पर्सन है लेकिन अकेला नहीं है थर्ड पर्सन, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्वारल को एस नहीं लगा। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है वह देखा। आइए इसके बाद हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो ऊपर अफर्मेटिव के वाक्य सीखे हैं उन्हीं सकारात्मक वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में परिवर्तित करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या मैं खेलता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू आई प्ले। हमारा अगला एग्जांपल है क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू वी रीड। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या आप लिखते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू यू राइट। अगला है क्या राजू आता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे डज राजू कम। दोस्तों राजू अब थर्ड पर्सन है, अकेला है इसलिए यहाँ पर डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर डस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर वर्ब में एस नहीं लगेगा, कम के साथ एस नहीं लगा जाएगा। हमारा अगला एग्जांपल है क्या राजू और अमित दौड़ते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू राजू एंड अमित रन। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वह बुलाता है, इसे कहेंगे डज ही कॉल। वह बुलाता है थर्ड पर्सन है और अकेला है तो यहाँ पर डू की जगह डज आ गया और यहाँ पर वर्ब को एस नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वो लोग गिनते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू दे काउंट। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वह गाती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे डज शी सिंग। थर्ड पर्सन अकेला है, डज लग गया और यहाँ पर वर्ब को एस हट गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या गीता सीखती है, इसे कहेंगे डज गीता लर्न। थर्ड पर्सन अकेला,
डज आ गया। अगला एग्जांपल है, क्या गीता और मीना लड़ते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू गीता एंड मीना क्वारल। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है, हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इनडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस वी हैव लर्न्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब थर्ड पर्सन अकेला होता है तो डज आ जाता है, जब थर्ड पर्सन अकेला नहीं होता है तो डू का इस्तेमाल वाक्य में हम लोग सबसे पहले करते हैं। नाउ वी विल बी स्विचिंग ऑन टू नेगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों हम लोग नकारात्मक वाक्यों की रचना कैसे करते हैं वह सीखेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मैं नहीं खेलता हूँ। आंसर है आई डू नॉट प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आंसर है वी डू नॉट रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप नहीं लिखते हैं। द आंसर इज यू डू नॉट राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजू नहीं आता है। एंड द आंसर इज राजू डज नॉट कम। राजू थर्ड पर्सन अकेला है इसलिए यहां पर डज नॉट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू और अमित नहीं दौड़ते हैं। राजू एंड अमित डू नॉट रन। वो नहीं बुलाता है, ही डज नॉट कॉल। थर्ड पर्सन अकेला है इसलिए डज नॉट आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो लोग नहीं गिनते हैं। द आंसर इज दे डू नॉट काउंट। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। गीता नहीं सीखती है, गीता डज नॉट लर्न। गीता और मीना नहीं लड़ते हैं, गीता एंड मीना डू नॉट क्वारल। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जब दोस्तों थर्ड पर्सन अकेला होता है तो वाक्य में डज नॉट आ जाता है, और जब थर्ड पर्सन अकेला नहीं होता है तो वाक्य में डू नॉट आता है। आइए दोस्तों अब हमारा अंतिम वाक्य रचना सीखते हैं, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सबसे पहला वाक्य है, क्या मैं नहीं खेलता हूँ। आंसर है डू आई नॉट प्ले। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आंसर है डू वी नॉट रीड। क्या आप नहीं लिखते हैं, डू यू नॉट राइट। क्या राजू नहीं आता है, राजू थर्ड पर्सन है अकेला है इसलिए यहाँ पर डज आएगा, डज राजू नॉट कम। क्या राजू और अमित नहीं दौड़ते हैं, डू राजू एंड अमित नॉट रन। क्या वह नहीं बुलाता है, डज ही नॉट कॉल। क्या वो लोग नहीं गिनते हैं, डू दे नॉट काउंट। क्या वह नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग। क्या गीता नहीं सीखती है, डज गीता नॉट लर्न। क्या गीता और मीना नहीं लड़ते हैं, डू गीता एंड मीना नॉट क्वारल। तो ये थे दोस्तों हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए दोस्तों इसके बाद हम और आप रुख करते हैं कुछ इंट्रोगेशंस का, यानी कुछ सवाल हैं जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं और हम उन सवालों का जवाब कैसे देते हैं। हाउ डू वी इनकाउंटर द क्वेश्चंस आस्क्ड टू अस। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है। माई नेम इज प्रदीप। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन मुंबई। वॉट इज योर क्वालिफिकेशन, आपका शिक्षण कितना है या आप कितना पढ़े लिखे हैं। आई एम बी कॉम। इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आप किस स्कूल में पढ़े। तो आई स्टडीड इन केनम स्कूल, या आपके जो भी स्कूल का नाम है आपको यहाँ पर वो नाम बताना है। वॉट डू यू डू नाउडेज, आजकल आप क्या करते हैं। नाउडेज आई लर्न टू स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश, आजकल मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ। वॉट इज योर फादर्स नेम, अब यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम बताना है, आपके पिताजी का नाम क्या है। वॉट इज योर फादर्स नेम। माई फादर्स नेम इज मिस्टर कन्हैयालाल त्रिवेदी।
हाउ ओल्ड इज ही, उनकी उम्र क्या है? ही इज 75 years old, उनकी उम्र 75 है. वॉट डज ही डू, ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, वह एक रिटायर्ड पर्सन है. यदि आपको यहाँ पर बोलना है कि वह नौकरी करते हैं तो ही इज डूइंग जॉब. यदि आपको यहाँ पर बोलना है कि वो कॉमर्स क्लासेस चलाते हैं तो यहाँ पर आएगा ही इज रनिंग कॉमर्स क्लासेस. किसी भी चीज़ को चलाने के लिए रनिंग शब्द का इस्तेमाल होता है. जैसे कि वह स्कूल चलाते हैं तो ही रन्स स्कूल. वो बिजनेस करते हैं तो ही इज डूइंग बिजनेस. वॉट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज मिसेस रमा त्रिवेदी. हाउ ओल्ड इज शी, शी इज 70 years old, उनकी उम्र कितनी है. वॉट डज शी डू, वह क्या करती हैं. शी इज हाउस वाइफ. वॉट इज योर ब्रदर्स नेम, माई ब्रदर्स नेम इज विनोद त्रिवेदी. आपके भाई का नाम क्या है, यहाँ आपको भाई का नाम बताना है. हाउ ओल्ड इज ही इज 30 years old. वॉट डज ही डू, वह क्या करते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे आपको बोलना है कि वह नौकरी करते हैं तो आंसर आएगा ही इज डूइंग जॉब. फिर वह किस स्कूल में पढ़े, इसे पूछेंगे इन विच स्कूल डिड ही स्टडी. तो ही स्टडीड इन सेंट मेरी स्कूल. अब आपको पूछना है कि क्या वह आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इज ही यंगर और एल्डर देन यू. यंगर यानी छोटा और एल्डर यानी बड़ा. आपको बोलना है यदि कि वो मुझसे छोटे हैं तो ही इज यंगर देन मी. यदि आपको बोलना है वह मुझसे बड़े हैं तो ही इज एल्डर देन मी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम, माय सिस्टर्स नेम इज अनीता. हाउ ओल्ड इज शी, शी इज 29 years old. व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है. शी इज डूइंग जॉब यानी वह नौकरी करती है. तो देखा दोस्तों, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस और आंसर्स सीखे. हम लोग हर वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चंस और आंसर्स हमेशा सीखेंगे. दोस्तों आइए, इंट्रोडक्शन सीखने के बाद हमारा मिलकर रुख करते हैं सेंटेंसेस का. यहाँ पे हम लोग एडवांस इंग्लिश के कुछ वाक्य सीखेंगे. हमारा पहला सेंटेंस है जहाँ चाह वहाँ राह, इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे. अगला सेंटेंस है मैंने उसकी तारीफों के पुल बांधे, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई प्रेज्ड हिम टू द स्काइज. आजकल आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं, नाउडेज योर ब्रेड इज बटर्ड. आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, पैक अप योर बैग एंड बैगेजेस. हम में यानी हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, वी आर पोल्स अपार्ट. आज मेरा उपवास है, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट टूडे. मेरा सिर मत खाओ, डोंट नैग मी. वो तो जोरू का गुलाम है, ही इज हैंडपेक्ड. मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर अपॉन माई मदर. हम आपके हैं कौन, हु एम आई योर्स. इसके बाद आइए दोस्तों हम और आप कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं. जैसे क्या आप जानते हैं स्माइल यानी मुस्कान. स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, स्माइल का फुल फॉर्म है स्वीट मेमोरीज इन लिप्स एक्सप्रेशन. डू यू नो विच इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड, जुम जुम सिटो इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड. इट्स साइज इज बिटवीन 5 to 6 cm. दुनिया की सबसे छोटा पक्षी जुनजुन सीटो है, इसकी लंबाई 5 to 6 cm के बीच है. और दोस्तों यह हमिंग बर्ड की प्रजाति से संबंधित है, हमिंग बर्ड फ्रॉम आइलैंड ऑफ क्यूबा इन द करेबियन. द करेबियन इज इन द रीजन ऑफ अमेरिका कंप्राइजिंग द करेबियन सी. आए दोस्तों इसके बाद हम और आप चैटिंग का रुख करते हैं, चैटिंग यानी गप्पे मारना. सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपको, क्या आप चाय लेते हैं, डू यू टेक टी. हाँ मैं चाय लेता हूँ, यस आई टेक टी. आप दिन में कितनी बार चाय लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे. मैं दिन में 3 बार चाय लेता हूँ या मैं दिन में 2 बार चाय लेता हूँ, आई टेक टी थ्राइस इन अ डे.
यानी मैं दिन में तीन बार चाय लेता हूँ। आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे, यानी मैं दिन में दो बार चाय लेता हूँ। चाय कौन बनाता है? हु प्रिपेयर्स इट? समझो आप बोलते हैं कि यह चाय मेरी माँ बनाती है, तो माई मदर प्रिपेयर्स इट। अब आपको यदि यह पूछना है क्या वह डेली चाय बनाती है, तो डज शी प्रिपेयर टी डेली? हाँ, वह रोज चाय बनाती है। यस शी प्रिपेयर्स टी डेली। क्या आप चाय रोज बनाते हैं? तो इसे पूछेंगे डू यू प्रिपेयर टी डेली? तो यस आई प्रिपेयर टी डेली, हाँ मैं रोज चाय बनाता हूँ। आपको चाय बनाने के लिए कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रिपेयर टी? जैसे मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो मैं कहूँगा आई टेक 10 मिनट्स टू प्रिपेयर टी। आप चाय के साथ क्या लेते हैं? व्हाट डू यू टेक विथ टी? मैं चाय के साथ बिस्किट्स लेता हूँ, आई टेक बिस्किट्स विथ टी। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर डू यू एड इन ए वन कप ऑफ टी? आप एक कप में कितनी शुगर, कितनी शक्कर मिलाते हैं? आपको यदि कहना है कि मैं एक चम्मच मिलाता हूँ, तो आई एड वन स्पून ऑफ शुगर इन वन कप ऑफ टी। आप कितने लोगों के लिए चाय बनाते हैं? फॉर हाउ मेनी पर्सन्स डू यू प्रिपेयर टी? यदि आप बोलते हैं दो लोगों के लिए, तो जवाब होगा आई प्रिपेयर टी फॉर टू पर्सन्स। क्या आप चाय के साथ बिस्किट्स रोज लेते हैं? डू यू टेक बिस्किट्स विथ टी डेली? हाँ मैं चाय के साथ बिस्किट्स रोज लेता हूँ। यस आई टेक बिस्किट्स विथ टी डेली। या मैं चाय के साथ बिस्किट कभी कभी लेता हूँ। नो आई टेक बिस्किट्स विथ टी ओकेजनली, या आई टेक बिस्किट्स विथ टी समटाइम्स। आप चाय के साथ कितने बिस्किट्स लेते हैं? हाउ मेनी बिस्किट्स डू यू टेक विथ टी? मैं चाय के साथ चार बिस्किट्स लेता हूँ, तो आई टेक फोर बिस्किट्स विथ टी। आप किस ब्रांड की चाय इस्तेमाल करते हैं? विच ब्रांड ऑफ टी डू यू यूज? तो जैसे आप बोलते हैं कि मैं टाटा चाय इस्तेमाल करता हूँ, तो आई यूज टाटा टी। क्या आप चाय में चाय मसाला मिलाते हैं? तो इसे कहेंगे डू यू लेस टी विद टी मसाला? चाय के जूठे बर्तन कौन धोता है? हु वॉशेज द ऑड यूटेंसिल्स यूज टू प्रिपेयर टी? मैं स्वयं धोता हूँ, तो इसे कहेंगे आई माई सेल्फ वॉश द ऑड यूटेंसिल्स यूज टू प्रिपेयर टी। क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? Do you like to take coffee? हाँ मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। Yes, I like to take coffee. आपको ज़्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? What do you like more, tea or coffee? तो यदि आप कहते हैं कि मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आंसर होगा I prefer coffee mostly. आप कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करते हैं? What do you like to take with coffee? मैं कॉफ़ी के साथ गुड डे बिस्किट्स लेना पसंद करता हूँ। I like to take good day biscuits with coffee. आप अपने मेहमानों को क्या देना पसंद करेंगे? What would you opt to serve your guest? Tea or coffee? आप मेहमानों को चाय देना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? I would like to serve coffee to my guests. आपने आखिरी बार कॉफ़ी कब पी थी? When did you take coffee last? जैसे आपको बोलना है कि मैंने कॉफ़ी 10 दिनों पहले ली थी, तो I took coffee before 10 days. आपने कॉफ़ी किसके साथ ली थी? विद हुम डिड यू टेक कॉफ़ी? मैंने कॉफ़ी अपने दोस्तों के साथ ली थी, आई टुक कॉफ़ी विद माई फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, इसके बाद हम शेड्यूल नरेशन सीखते हैं, यानी हम सुबह से लेकर शाम तक जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हमारी दिनचर्या। आइए कुछ एक्टिविटीज़ हम अपने दिनचर्या की सीखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, तो आई वेक अप एट 5:30 AM। उसके बाद मैं अपनी चादर, अपनी ओढ़ने वाली चादर को घड़ी मारता हूँ, सो आई फोल्ड माई टॉप सीट, और फिर मैं उसे उसकी जगह पर रख देता हूँ, एंड आई प्लेस इट इन इट्स प्लेस। फिर मैं टॉयलेट या बाथरूम जाता हूँ, तो देन आई गो टू वॉशरूम टू आंसर नेचर्स कॉल। हम जब एक नंबर या दो नंबर जाते हैं, तो उसे एडवांस इंग्लिश में कहते हैं आंसर नेचर्स कॉल। उसके बाद फिर मैं अपने दोनों हाथ धोता हूँ, देन आई वॉश माई बोथ हैंड्स, और मैं अपने हाथों में साबुन लगाता हूँ, आई अप्लाई सोप ऑन माई हैंड्स। उसके बाद फिर मैं ब्रश और टूथपेस्ट लेता हूँ, देन आई टेक ब्रश एंड टूथपेस्ट। उसके बाद मैं अपने पेस्ट को दबाता हूँ, देन आई स्क्वीज माई टूथपेस्ट, और फिर मैं उसे ब्रश पर लगाता हूँ, आई अप्लाई इट ऑन द ब्रश। उसके बाद फिर मैं कुछ देर के लिए ब्रश करता हूँ, देन आई ब्रश माई टीथ फॉर सम टाइम। उसके बाद मैं अपने हाथ धोता हूँ और अपने मुँह को साफ करता हूँ, और मैं कुल्ला करता हूँ, देन आई वॉश एंड क्लीन माई माउथ एंड आई ऑल्सो गार्गल।
खुला करने के लिए गार्गल शब्द का इस्तेमाल होता है। फिर मैं टंग क्लीनर लेता हूँ और अपने टंग को क्लीन करता हूँ, देन आई टेक टंग क्लीनर एंड आई क्लीन माई टंग। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको आगे भी यदि ऐसे ही फर्राटेदार और अच्छी आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू, गुड बाय।